Good morning, parents and my dear students. I hope you all are safe at your home and doing your work properly. And today I'm here again with this chapter वचन. जैसा कि कल सभी बच्चों ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपना काम किया और मैम को भी सेंड किया. मैंने देखा बहुत बच्चों ने जो भी मैम ने काम किया था अच्छे से समझा और उसको किया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे. आशा करती हूँ कि इसी तरह से आप अपना काम जो है मैम के साथ साथ करते रहेंगे. ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपने बहुत इंजॉय भी किया होगा, क्योंकि आपके आसपास की चीज़ों को आपने नोट किया और उसको अपनी कॉपीज में लिखा. तो चलिए आज हम करते हैं बुक वर्क अपना. तो ओपन कीजिए आप अपनी अपनी बुक्स और स्टार्ट करते हैं हम लेसन 7, पेज नंबर 29, रचनात्मक अभ्यास. पेज नंबर है 29. तो पेज नंबर 29 में है, चित्र देखकर उनके वचन के अनुसार नाम लिखो. तो यहाँ पर बना हुआ है किताब. कितनी किताबें बनी हुई हैं ये देखिए, एक किताब और ये दो किताब. कितनी किताबें बनी हुई हैं, ये मैंने लिखा बुक या मैंने लिखा किताब. कितनी हो गई, एक और दो. तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इन्होंने लिखा है दो. लेकिन दो क्या है ये बताइए, सभी को पता है दो क्या है ये, किताबें. अगर एक होती तो क्या बोलते हम इसको, किताब. इतना तो सभी को मालूम हो ही गया है, जैसा कि आपने काम किया अपने आसपास की चीजों को देखते हुए अपनी कॉपीज में नोट किया. तो हमारे पास जब जो दो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, दो उन्होंने एक भी दिया हमारे लिए, संख्या या गिनती जो हमें एक से अधिक का बताए वो क्या कहलाए, बहुवचन. तो बहुवचन में क्या आया शब्द, किताब, किताबें. राइट, नेक्स्ट हमारा बना हुआ है दो, इस तरह से दो ताले बनाए हुए हैं. क्या बनाए हुए हैं, दो ताले. ठीक है, तो ये लिखा यहां पर दो. तो क्या लिखेंगे हम, दो ताले. समझ आया सभी को. चलिए अब नेक्स्ट है हमारा. अब देखिए यहां पर बनी हुई है मालाएं. कितनी मालाएं हैं ये, तीन. कितनी मालाएं हैं, तीन. तो हम क्या लिखेंगे, तीन मा ला ए चंद्र. ठीक है, तो तीन क्या थी, मालाएं. उसके बाद बनी हुई है मुर्गियां. क्या बनी हुई है, मुर्गियां. तो वो क्लियर हो रहा है, तीन बनी हुई है तो क्या आएगा, तीन मुर्गियां. ठीक है, उसके बाद बने हुए हैं हमारे गुब्बारे. क्या बने हुए हैं, तीन गुब्बारे. तीन क्या है, गुब्बारे. तो हमने लिख दिया तीन गुब्बारे. बहुत इजी है, सबको समझ आ रहा है और मजा भी आ रहा है करने में. हो सकता है कि कुछ बच्चे मैम से पहले भी कर रहे हों जिनको बहुत अच्छे से समझ आ गया. जो भी चीजें एक या एक से अधिक होती हैं वो बहुवचन होती हैं, और बहुवचन में क्या हो जाता है कि अगर तो है गुब्बारा, गुब्बारे, मुर्गियां, मुर्गी है तो मुर्गियां, एक माला है तो बहुत सारी मालाएं. इसी तरह से हम करते जाएंगे अपना नेक्स्ट वर्क. तो जैसा कि आपने देखा कि एक वचन से बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं हम, तो चलिए बताइए मुझे ये क्या है, एक पेड़. ठीक है, आंसर करेंगे आप, एक पेड़ है तो दो क्या होंगे, बहुत सारे पेड़ है ना. लेकिन यहां पर हम इनको पेड़े नहीं बोल सकते, पेड़ पेड़ ही रहता है. राइट, तो इसी तरह से एक पेड़ भी पेड़ है और दूसरा पेड़ भी पेड़ है. कई बातें, कई शब्द ऐसे हैं जो एक वचन और बहुवचन में सेम रहते हैं. ठीक है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि पेड़ों को पानी डालो, है ना. लेकिन ये नहीं बोल सकते कि पेड़ पेड़े, जैसे केला केले, मेला मेले, है ना, ठेला छेले. लेकिन जो पेड़ है वो एक वचन भी पेड़ है और बहुवचन भी पेड़ ही होगा. ओके, इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा, ये है हमारे पास एक झंडा. क्या है ये, एक झंडा. और अगर अब यही झंडे एक दो तीन
चार पांच बहुत सारे हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? झंडे। ठीक है, यहाँ पर एकवचन बहुवचन में डिफरेंस है, यहाँ पर झंडा झंडे होगा लेकिन पेड़ जो है वो पेड़ ही रहेगा। समझ आया सभी बच्चों को? ये है आपका एक चीज। तो आप इस तरह से घर में कोई चीजों को हाथ में लेकर भी उसको प्रयोग द्वारा समझ सकते हैं। आप अपने भाई बहनों को भी पूछ सकते हैं, मम्मा से भी पूछ सकते हैं कि मम्मा मेरे हाथ में क्या है? एक झंडा है। अब मैंने बहुत सारे पकड़ लिए तो इसका आंसर क्या होगा? झंडे। क्या आंसर होगा इसका? झंडे। ठीक है, तो सभी को समझ आया? चलिए आइए देखते हैं प्रश्न तीन। प्रश्न तीन में है रेखा की गई, यानी कि जिनके नीचे लाइन खींची हुई है, ऐसे इन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य को पुनः लिखें। पुनः मीन्स दोबारा लिखें। तो नदी गहरी है, इसे हमें बहुवचन में बदल के दोबारा लिखना है। तो नदी गहरी है, इसका एकवचन है, हमें इसका बहुवचन बनाना है। तो हम कैसे लिखेंगे? नदियां गहरी हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आ जाएगा यह नदी गहरी है। और है में भी वचन और बहुवचन का प्रयोग ध्यान से देखने आपको किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम नदियां, या नदियां गहरी है। ठीक है, में क्या आ जाएगी? बिंदी। क्यों? क्योंकि वो भी बहुवचन हो गया, यहाँ था नदी गहरी है। बोलने में आपको पता चल रहा है ना क्या अंतर है? नदी गहरी है, लेकिन जब इसको हम बहुवचन में बदलेंगे तो ये क्या बन जाएगा? नदियां गहरी हैं। ठीक है, तो हमने है और है का भी ध्यान रखना है वचन और बहुवचन में। एक वचन बहुवचन में मक्खी भिन भिनाती है, तो मक्खी एक वचन है और बहुत सारी क्या होंगी? मक्खियां। राइट, तो हम क्या लिखेंगे? मक्खियां, सेम चंद्र बिंदु आएगा ऊपर, मक्खियां भिन भिनाती, क्या आएगा? है मक्खियां भिन भिनाती है। राइट, अब दो सॉल्व करिए। तीसरा आप बताइए, जूता पॉलिश करो। तो जूता है एक वचन, बहुवचन में क्या हो जाएगा? जूते। राइट, तो सब बच्चे लिखेंगे अपनी अपनी बुक्स में, जूते पॉलिश करो। बाकी किसी शब्द में नहीं चेंज आया, सिर्फ इसमें आया जूता। जूता किसे बदल गया? जूते। ठीक है, पौधा हरा है, पौधे हरे हैं। ठीक है, क्या आएगा? पौधे बहुत सारे हो गए हरे, तो उसके पीछे वर्ड है हमारा है, लेकिन हमने यहाँ लगा दिया है क्योंकि बहुत सारे हैं। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, तो बच्चा क्या है? एक वचन, और वो वचन क्या हो जाएगा? बच्चे। तो हम क्या लिखेंगे? बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तकें। ठीक है, पुस्तकें पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कितने शब्दों में बदलाव आया? दो तीन शब्दों में। बच्चा एक वचन, बच्चे दो वचन, बच्चा बच्चे, पुस्तक पुस्तकें। लेकिन उन्होंने क्या कहा है? रेखा के किए गए, सिर्फ जिसके नीचे अंडरलाइन की गई है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसको बदलना पड़े कि पूरे वाक्य को बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे? कि बच्चा बदल जाएगा बच्चे में, बच्चे पुस्तकें पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इन्होंने कहा है सिर्फ जिनके नीचे लाइन लगाई गई है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? पुस्तक का पुस्तक ही रहेगा। तो क्या आएगा? बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हुआ? ये था हमारा प्रश्न तीन। तो चलिए इससे मिलती जुलती हम एक वीडियो देखते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिससे आपको और समझ आएगा कि किस तरह से हम वाक्यों का प्रयोग एक वचन से बहुवचन में करते हैं। ठीक है, आपने ये तो देखा कि हम शब्दों को एक वचन से बहुवचन में कैसे बदलते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि हम वाक्यों का प्रयोग एक वचन से बहुवचन में कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो।
अगर मगर जगर चलें वचन की डगर। प्यारे बच्चों, चलिए आज हम खरीदारी करने चलते हैं और साथ ही साथ कुछ नई बातें भी सीखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस दुकान में क्या क्या सामान है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं। देखो, एक गोल घड़ी है, दो घड़ियां चौकोर हैं, एक माला लाल रंग की है, दो मालाएं नीले रंग की हैं। यहाँ तो पुस्तकें भी हैं। एक पुस्तक कितनी मोटी है। यहाँ बच्चों के लिए कितने सारे खिलौने हैं। देखो, यह खिलौना कितना सुंदर है। मैं तो एक खिलौना, एक माला और दो पुस्तकें खरीदूंगी। आप अपने लिए क्या क्या खरीदेंगे? तो अब आई सीखने की बारी। बच्चों, यहाँ घड़ी, माला, पुस्तक, खिलौना शब्दों से उनके एक होने का पता चल रहा है। इसी तरह घड़ियां, मालाएं, पुस्तकें, खिलौने इन शब्दों से उनके अनेक होने का पता चल रहा है। जिस शब्द से एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। यानी कि वचन हमें संज्ञा शब्दों की संख्या बताते हैं। वचन दो तरह के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द से सिर्फ एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे तारा, बिल्ली, चिड़िया। बहुवचन शब्द से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों या प्राणियों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे तारे, बिल्लियां, चिड़ियां। आइए अब कुछ एकवचन और उनके बहुवचन जाने। पंखा, पंखे। बस्ता, बस्ते। केला, केले। तोता, तोते। जूता, जूते। रोटी, रोटियां। मछली, मछलियां। मिठाई, मिठाइयां। लड़की, लड़कियां। बकरी, बकरियां। खिड़की, खिड़कियां। आंख, आंखें। भैंस, भैंसें। दुकान, दुकानें। किताब, किताबें। महिला, महिलाएं। गुड़िया, गुड़ियां। बुढ़िया, बुढ़िया। तो बच्चों, बताइए कैसा लगा आपको वीडियो देखकर? आपको अच्छा लगा? आपने बहुत कुछ सीखा, उससे भी सीखा आपने, क्योंकि वो आपकी मनपसंद वीडियो है। जैसे आप कार्टून देखते हैं ना, तो ये कार्टून बेस थी, तो जिसको देखते हुए आपको लगा कि आप कार्टून ही देख रहे हैं, लेकिन इस कार्टून फिल्म में आपने क्या सीखा? एक वचन
एकवचन और बहुवचन कि किस तरह से एक चीज से बहुत सारी चीजें, एक शब्द से बहुत सारे शब्द, एक वाक्य से बहुत सारे वाक्य भी बनाए जा सकते हैं। तो सभी ने बहुत अच्छे से देखा और बहुत कुछ सीखा और बहुत इंजॉय किया। इसी तरह से काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं कल।